नमस्कार, मैं हूं दिव्या कोचर और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने नया कश्मीर बनाने में एक अहम भूमिका निभाई है। समवन हु इज नोन एज अ वेरी हम्बल पर्सन बट इज ऑल्सो अ वेरी करेजियस पर्सनैलिटी एंड अ कमिटेड लीडर ऑफ द इंडियन आर्मी। सोशल मीडिया पर इनकी बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग तो है ही, साथ ही अब इनकी किताब कितने गाजी आए कितने गाजी गए एक बेस्ट सेलर है। लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लो सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर बुक, वी हियर इट इज ऑलरेडी अ बेस्ट सेलर। लेट मी बिगिन बाय आस्किंग यू कि जब पुलवामा का हमला हुआ तब आप कुछ दिन पहले ही कश्मीर आए थे, आपका रिस्पॉन्स क्या था? आई थिंक व्यूअर्स ये जानना चाहेंगे कि इसके पीछे की कहानी क्या रही। थैंक यू। एंड जिस दिन पुलवामा का हमला हुआ 14 फरवरी 2019, आज से 4 साल पहले, मैं 10 फरवरी 2019 को चिनार कोर कमांडर का कार्यभार संभाला था। और जब वो हमला हुआ तो वो हमला इतना गंभीर था कि इससे पहले कश्मीर के आतंकवाद के 3 दशक के दौर में इतना बड़ा हमला जिसमें इतनी ज़्यादा कैजुअल्टी हुई हो वो नहीं हुआ था। तो पहले कुछ समय लगा ये समझने के लिए कि कितनी कैजुअल्टी है। सबसे पहले जो हमारी कार्रवाई थी वो ये थी कि हेलीकॉप्टर्स को प्रेसिंग किया गया कैजुअल्टी इवैक्यूएशन के लिए, डॉक्टर्स को 92 बेस हॉस्पिटल जो बदामी बाग कैंट में है उनको इमरजेंसी कॉल किया गया ताकि जितने भी कैजुअल्टीज आए उनको बचाया जा सके। ये सब करने के बाद उसके 2 घंटे बाद ही हमने ये प्लान किया कि अभी इन आतंकवादियों को जिंदा नहीं छोड़ना। उसके लिए हमने इंटेलिजेंस गैदरिंग की तैयारी शुरू की। 48 घंटे के अंदर ही हमें वो खबर मिली कि वो आतंकवादी इस वक्त पिंगलाना गांव में हैं, लेकिन हमारे पास वक्त सिर्फ 3 से 4 घंटे का था। उसके बाद वो दोबारा से अपना बेस शिफ्ट करके किसी और जगह में जाने की तैयारी में थे। 55 राष्ट्रीय राइफल्स, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF ने एक दम से मिलकर प्लानिंग किया और कोऑर्डिनेट सर्च का वो जो प्लान बनाया, उस पिंगलाना गांव को अलग अलग दिशा से अप्रोच किया, सरप्राइज को मेंटेन रखा और बाय मिडनाइट वी हिट दिस मॉड्यूल। एंड इसके बाद पहले शुरू के चंद एक मिनटों में ही मेजर विभूति व डोंडियाल और कुछ जवानों की कैजुअल्टी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपने ऑपरेशन को कमजोर नहीं होने दिया और लगातार दबाव बनाए रखा। और 100 घंटे के भीतर कामरान जो पाकिस्तानी टेररिस्ट था, इस मॉड्यूल का कमांडर था, उसका कोडवर्ड गाजी था, और 100 घंटे के अंदर इस मॉड्यूल को खत्म कर दिया गया ताकि ये कोई और ऐसी घटना को दोबारा अंजाम ना दे सके। सर, आज पुलवामा अटैक की 4th एनिवर्सरी है, तो आप हमारे जवानों को कैसे श्रद्धांजलि देना चाहेंगे? मेरी किताब, जैसा कि आपने बोला, कितने गाजी आए कितने गाजी गए, आज 14 फरवरी 2023 को ही पुलवामा की 4th एनिवर्सरी के ऊपर रिलीज हो रही है जी। और मैंने इसके लिए कोई पार्टी, कोई मेगा इवेंट, कोई मेगा लॉन्च नहीं रखा। एक बहुत गंभीर और सोबर फूलों की श्रद्धांजलि वॉर मेमोरियल पे जाकर दी और अपने जो इंडियन आर्मी के जवान हैं उनसे ही इनकी कवर की अनवेलिंग करवाई। कोई VIP नहीं है, कोई बिग नेम नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, कोई कॉकटेल्स नहीं है। तो ये किताब और मेरी तरफ से अपने आप में एक श्रद्धांजलि उन 40 वीर जवानों को, उनके परिवारों के लिए शुभकामनाएं, उनके बच्चों के लिए सुंदर भविष्य की शुभकामनाएं। आज सभी धर्म स्थलों में जाकर के यही प्रार्थना की है कि उनको आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार को शुभकामनाएं और आगे तरक्की मिले। जी 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 सर, पुलवामा के बाद आपने एज अ आर्मी कमांडर जैश ए मोहम्मद आतंकवादी ग्रुप के सब लीडर्स को मार गिराया था, वो कैसे हुआ? जब पुलवामा हुआ तो वो इतनी बड़ी ट्रेजेडी थी और वो काफी लोगों को ये मालूम नहीं है कि पुलवामा के 10 दिन बाद 24 फरवरी को पुलवामा की ही तरह एक सुसाइड बॉम्बर और ऑलरेडी तैयार हो चुका था। उसने अपना वीडियो भी बना लिया था कि मैं एक हमला करने वाला हूँ, सुसाइड बॉम्बिंग करने वाला हूँ। हमें उसकी भी खबर मिली इंटेलिजेंस एजेंसी और सिक्योरिटी फोर्सेज को, और 24 फरवरी को उस मॉड्यूल को भी खत्म किया इससे पहले कि वो पुलवामा 2 को अंजाम दे सकते। इसकी पूरी डिटेल्स, वो कैसे हुआ, कहाँ हुआ, ये मेरी किताब में दर्ज है जी। और आज
जो पुलवामा के बाद में जो आपका सवाल था कि जैश मोहम्मद के कमांडर्स को कैसे खत्म किया, पुलवामा क्योंकि जैश मोहम्मद ने किया था, उसके बाद में हमने पूरा अपना जोर लगा दिया कि जैश मोहम्मद को जड़ से खत्म कर देना है कश्मीर में जी। और बाकी के जो टेररिस्ट ग्रुप थे उनको भी, और जो भी जैश का कमांडर बनता था उसको हम अगले चंद एक दिनों में ही खत्म कर देते थे। हालत ये हो गई थी कि पाकिस्तान से हुक्म आता था कि फलां आदमी अभी जैश मोहम्मद का कश्मीर का कमांडर है, और वो फलां आदमी मना कर देता था कि मुझे कमांडर नहीं बनना है, क्योंकि उसको मालूम था वो कमांडर बना और उसकी जिंदगी खत्म। तो इतनी जो दहशतगर्दी और जो दहशतगर्द ग्रुप, उनके दिलों में इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस का ये खौफ पैदा किया था। और उसके बाद जब 5 अगस्त 2019 को धारा 370 खत्म हुई, वही खौफ बरकरार रखते हुए अभी शांति का माहौल बहुत आगे बढ़ चुका है कश्मीर में। जी 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 बिल्कुल। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाइन कितने गाजी आए कितने गाजी गए बहुत फेमस हुई है, ये आपने क्यों बोला और आप इसे किसे मैसेज देना चाह रहे थे? और एक और चीज़ है मैं जानना चाहूँगी कि जिन लोगों को ये गाजी का मतलब नहीं पता, आप व्यूवर को ज़रूर बताएं कि क्या कॉन्टेक्स्ट है इस लाइन का। कितने गाजी आए कितने गाजी गए, जो कि मेरी किताब का टाइटल भी है जी। ये जब 14 फरवरी 2019 को जैश मोहम्मद ने पुलवामा आईडी ब्लास्ट किया, जिसमें हमारे 24-40 सीआरपीएफ के जवान वीरगति को प्राप्त हुए, उस जैश मोहम्मद का जो मॉड्यूल था और कश्मीर का ओवरऑल जो कमांडर था वह एक पाकिस्तानी टेररिस्ट था जिसका नाम था कामरान जी। और उसका कोड नेम गाजी था। गाजी जो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं या पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं उनका एक बहुत प्रेफर्ड कोड नेम है, यानी कि वो इस कोड वर्ड को रखने की हमेशा कोशिश करते हैं। तो जैसे आपको मालूम है मेरे कश्मीर में 6-7 टेन्योर उससे पहले भी रह चुके हैं जी। 1988 से लेकर कैप्टन से मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर, फिर ब्रिगेडियर, और मेरे काफी टेन्योर्स कश्मीर में है जिसमें ये गाजी नाम के कोडवर्ड वाले पाकिस्तानी आतंकवादी हमने बहुत पहले खत्म किए हुए। और ये क्योंकि मुझे मालूम था कि गाजी उनका एक प्रेफर्ड कोड नेम है जी। और जब 14 फरवरी को पुलवामा वाला हमला हुआ उसके बाद मीडिया में ये बात बहुत घूम घूम के आ रही थी कि इस मॉड्यूल का कमांडर गाजी है और गाजी ने पुलवामा के हमले को अंजाम दिया जी। तो जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो मेरे को एक जर्नलिस्ट ने ये सवाल पूछा जी। कि सर क्या गाजी मारा गया है या नहीं, क्योंकि पिछले 4 दिन से उसका मीडिया में बहुत ज्यादा जिक्र चल रहा था जी। तो मैंने, क्योंकि मुझे गाजी की हकीकत मालूम थी कि क्यों गाजी कोड नेम रखते हैं, और दूसरी बात थी मैं उस आतंकवादी को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहता था जी। तो जब मेरे से ये सवाल पूछा गया कि इस गाजी डेड, तो मेरा जवाब था कितने गाजी आए कितने गाजी गए परवाह नहीं, वी आर देयर, डोंट वरी। सो ये एक मैसेज ना सिर्फ उन आतंकवादियों का था, ये मैसेज उनके आकाओं को भी था जो कि सरहद के पार या लाइन ऑफ कंट्रोल के पार पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या पाकिस्तान में बैठी कि कोई भी गाजी आप भेजिए हम उसको खत्म करेंगे, कितने गाजी आए कितने गाजी गए, इंडिया इज स्ट्रॉन्ग, इंडिया विल रिमेन स्ट्रॉन्ग। और इतिहास में जाएं तो मोहम्मद गजनी भी आया था जी। और हिंदुस्तान आज भी है, तब भी था, आगे भी रहेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सर मेरे हिसाब से आपका सबसे चैलेंजिंग रोल तब हुआ जब मोदी सरकार ने डिसाइड किया कि आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन किया जाए, कितना मुश्किल था ये समय और आपने इसके पीछे कैसे प्लानिंग की? इससे पहले कि मैं इस सवाल का जवाब दूं, मैं आपको एक छोटा सा एनेक्डोट बताना चाहता हूं जो मेरे साथ में जब मैं गुजरात यूनिवर्सिटी में वहां यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहा था जी। तो जैसे आपने सवाल पूछा कितना चैलेंजिंग था कितना मुश्किल था, मेरे को एक लड़की ने, एक स्टूडेंट ने गुजरात यूनिवर्सिटी के सवाल किया कि सर इंडियन आर्मी का जॉब कितना चैलेंजिंग है। तो मेरा उसका जवाब था, मैंने बोला था इंडियन आर्मी एक जॉब नहीं है, इंडियन आर्मी मोहब्बत है, और मोहब्बत में चैलेंज नहीं होते, मोहब्बत में अफसाने होते। क्या बात है। सो कमिंग बैक टू योर पॉइंट, आर्मी के सामने चैलेंजेस नहीं होते हैं, कुछ कंसर्न्स होते हैं, कुछ एक सिचुएशन ऐसी आती है जिसको सॉल्व करने में जहाँ थोड़ी प्लानिंग ज्यादा लगती है,
और जो अफसानों की बात कर रहे हैं वो एनेक्डोट्स जो हम अभी शेयर कर रहे हैं या मेरी किताब में जो दिए हैं वो है। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, जब सरकार ने ये घोषणा की जहाँ उन्होंने प्लानिंग की कि आर्टिकल 370 या धारा 370 को कश्मीर जम्मू कश्मीर से हटाना है जी। तो हमारे ऊपर जिम्मेवारी थी कि उसको सही तरीके से लागू किया जाए और शांति कायम रखी जाए। इसको हमने तीन फेज में बांटा। जब मैं कहता हूँ हमने तो जो टीम सिक्योरिटी फोर्सेस जिसमें शामिल है आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF, इंटेलिजेंस एजेंसीज और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और सबसे महत्वपूर्ण कश्मीर का आवाम या कश्मीरी पब्लिक। तो तीन फेज ये थे कि 5 अगस्त 2019 से पहले क्या क्या तैयारी करनी है उसके लिए और सीक्रेसी मेंटेन रखनी है। 5 अगस्त 2019 को जब ये घोषणा हुई उस दिन हमने क्या क्या एक्शन लेने हैं इमीडिएटली अगले कुछ दिनों में, और उसके बाद अगले 3 महीने के लिए किस तरह से शांति को कायम रखना है जी। तो इसके लिए हमने अपने आप को 2 एम दिए। पहला एम ये था कि हिंदुस्तान की सरकार का आदेश हिंदुस्तान की सरजमीं के हर एक इंच धरती के ऊपर लागू होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हिंदुस्तान की सरकार कुछ आदेश दे या कुछ हुक्म दे या कोई पार्लियामेंट कुछ लॉ पास करे और उसका ग्राउंड के ऊपर इंप्लीमेंटेशन ना हो सके। तो फर्स्ट एम फॉर अस वाज टू इंश्योर इंप्लीमेंटेशन ऑफ एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 इन लेटर एंड स्पिरिट। और सेकंड था इस कार्रवाई को करते हुए कोई जानी नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई माली नुकसान यानी कि बिल्डिंग्स गवर्नमेंट की या पब्लिक की कोई डैमेज नहीं होना चाहिए, कोई म्यूटनी नहीं होनी चाहिए और या और किसी किस्म का भी जो पीस का माहौल है वो खराब नहीं होना चाहिए। जी, आपको याद होगा बहुत से पॉलिटिशियन ने बोला था खून की नदियां बह जाएंगी या लाशें बिछ जाएंगी, तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा। इस सब के बावजूद टीम सिक्योरिटी फोर्सेस ने 5 अगस्त 2019 के बाद जिस तरह का शांति का माहौल 3 महीने रखा, एक भी सिविलियन कैजुअल्टी सिक्योरिटी फोर्सेस के बुलेट से नहीं हुई, एक भी बिल्डिंग को डैमेज नहीं पहुंचा, कहीं पर भी आगजनी की कोई घटना नहीं हुई, कहीं पे भी कोई गंभीर पत्थरबाजी की घटना नहीं हुई और तमाम कश्मीर में और जम्मू एंड कश्मीर में अमन और शांति कायम रही, पब्लिक की सिक्योरिटी एंड सेफ्टी बिल्कुल मेंटेन रही। तो ये जो हमारे कंसर्न्स थे या जो हमारी ड्यूटी करते हुए हमारे को जो टास्क करने थे उसकी प्लानिंग, और प्लानिंग में सबसे जो जरूरी चीज थी कि हमें प्लान भी करना था और उसकी सीक्रेसी भी मेंटेन रखनी थी क्योंकि पाकिस्तान देख रहा था, देश के अंदर भी बहुत से लोग देख रहे थे कि ये जो चीज है ये सक्सेस नहीं हो पाए। तो 5 अगस्त 2019 के पहले की तैयारी, 5 अगस्त 2019 वाले दिन और कुछ दिनों बाद जो हमने एक्शन लिए और उसके 3 महीने बाद पीस को मेंटेन रखना, ये एक बहुत कोऑर्डिनेटेड सिनर्जाइज्ड एक्टिविटी थी तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में, एंड रेस्ट एज दे से इज हिस्ट्री। या एब्सोल्युटली सर, 370 गए, 3 साल हो गए, आज आपको कश्मीर की स्थिति कैसी लगती है? बहुत अच्छा सवाल है और इसके ऊपर पॉलिटिशियंस या अलग अलग लोग जिनके अपने एजेंडाज हैं या अपने बायसेस हैं वो अलग अलग स्टेटमेंट्स देते हैं। जी जी बिल्कुल। मैं एज अ सिक्योरिटी एक्सपर्ट अपनी जो स्टेटमेंट दूंगा वो मैं तथ्यों पे आधारित दूंगा, वेरीफाइबल फैक्ट्स के ऊपर। जी। मैं हवा में बात कभी नहीं करता। जी। देखिए कुछ एक इंडिसेस होते हैं, कुछ एक मापदंड होते हैं आतंकवाद के, कितने टेररिस्ट घाटी के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, कितने टेररिस्ट इनिशिएटेड इंसिडेंट्स हुए हैं, कितनी टेररिस्ट कमिटेड एट्रोसिटीज हुई हैं, कितने सिविलियंस की जान गई है, कितने टेररिस्ट मारे गए हैं, कितने सिक्योरिटी फोर्सेस पर्सनल की जान गई है या कितनी आगजनी की घटनाएं हुई हैं, कितने बंद हुए हैं, कितनी पत्थरजनी की सीरियस घटनाएं हुई हैं, ये तमाम मापदंड जो हैं ये डॉक्यूमेंटेड हैं, ये वेरीफाइबल। तो ये तमाम जो मापदंड हैं अगर ये ऊपर जाते हैं तो इसका मतलब आतंकवाद ऊपर जा रहा है, अगर नीचे जाते हैं तो इसका मतलब आतंकवाद कंट्रोल हो रहा है। इसके अलावा कुछ एक और मापदंड है, टूरिस्ट कितने आए, दुकानें कितने बजे तक खुली रहती हैं, इनकम लोगों की बड़ी है और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स्कूल्स कितने दिनों तक खुले रहे
हॉस्पिटल्स और बाकी गवर्नमेंट एजेंसीज कैसे काम कर रही हैं, कितने दिन खुली रही, क्या लोकल पटवारी या लोकल टीचर आखिरी गांव तक पहुंच के अपनी ड्यूटी कर रहा है। ये मापदंड जब ऊपर जाते हैं तो इसका मतलब है कि पीस इज मेंटेन्ड। तो टेररिज्म के मापदंड तमाम नीचे हैं आज की तारीख में, और बाकी जो डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर और पीस के मापदंड हैं वो तमाम ऊपर हैं। तो ये चीजें वेरीफाइबल हैं, ये फैक्ट्स हैं। इसको आज की तारीख के मापदंड या इस महीने के मापदंड अब पिछले किसी भी महीने से मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर कर लीजिए, तो ये चीज खुल के सामने आती है कि आतंकवाद नीचे जा रहा है, खुशहाली ऊपर जा रही है। सो कश्मीर इज ऑन वे टू प्रोग्रेस। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने कश्मीर में पिछले 35 सालों में बहुत वक्त गुजारा है, आपके सबसे यादगार पल क्या है कश्मीर के? यस, यू आर राइट। मैंने पिछले 35 साल में कश्मीर में अपनी आधी सर्विस लाइफ शायद कश्मीर में बताई है जी। और यादगार पल कश्मीर की धरती पे एक एक क्षण, एक एक मिनट, एक एक मोमेंट जो मैंने बताई है वो मेरे लिए यादगार है। मुझे कोई नोट्स रेफर करने की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी किताब कितने गाजी आए कितने गाजी गए उसमें कश्मीर की नेचुरल ब्यूटी का जिक्र किया है, कश्मीर के लोगों की जो खूबसूरती है जी। जो उनकी मेहमान नवाजी है, जो उनकी शख्सियत है, जो वो एजुकेशनिस्ट हैं, वो जैसे उनको कहते हैं कि दे आर एंटरटेनर्स, म्यूजिशियन हैं वो, वो आर्टिस्ट हैं, वो इंटेलेक्चुअल हैं, वो पोएट्स हैं, वो स्पोर्ट्स पर्सन है, वो कलाकारी करते हैं, वो पेपर मैशे, वो नमदा गब्दा गबा, जो कार्पेट्स, शॉल्स, वुड कार्विंग, वो इतने उनकी मेहमान नवाजी, उनके खाना वाजवान, उनके श्राइन्स, हिंदू श्राइन्स, मुस्लिम श्राइन्स, सिख श्राइन्स ऑफ कश्मीर, मैंने इन सब चीजों का जिक्र किया है। और ये इसलिए किया है और अपनी मेमोरी से किया है क्योंकि कश्मीर में बिताया हर एक पल मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। और बाकी के क्षण जो आतंकवाद के काबू करते हुए, आतंकवाद से लड़ते हुए बिताए हैं, वो भी अपने आप में एज अ सोल्जर मेरे लिए एक मेमोरी है और वो मेरे साथ मुझे एक और जज्बा देते हैं देश सेवा का। तो मेरे लिए कश्मीर का पूरा टेनर पिछले 35 साल में जितनी बार भी मैंने कश्मीर में सर्व किया, एक नई सुबह, एक नई खूबसूरती, एक नया जोश, एक नया जज्बा लेकर आया। जी बिल्कुल सर, जब 1990 में कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ तब आप वहाँ कैप्टन थे, कैसा माहौल था तब कश्मीर में? इस डेट के बारे में 19 जनवरी 1990 जी और 1988 से लेकर 1990 के बीच में जो कश्मीरी पंडित जहाँ टेररिज्म का माहौल था जी। इसके ऊपर भी मैंने अपनी किताब में कितने गाजी आए कितने गाजी गए उसमें बहुत डिटेल से लिखा है कि कैसा माहौल था। माहौल ये था कि अगर मैं यूनिफॉर्म में भी जा रहा हूँ, वेपन के साथ भी जा रहा हूँ, तो मुझे फीलिंग ये दी जाती थी कि आप हिंदुस्तानी हो, यू आर एन इंडियन एंड कश्मीर इज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया। लोकल बॉयज वर एक्सप्लोइटेटिंग टू पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, दे वर गेटिंग ट्रेनिंग फॉर टेररिज्म, दे वर इन्फिल्ट्रेटिंग बैक विद वेपन्स, द किलिंग्स वर हैपनिंग, द दहशत या टेररिज्म का माहौल था। अगेन मैं ये बात हवा में नहीं बोल रहा, मैंने अपनी किताब में फिगर्स दिए हैं, फैक्ट्स दिए हैं, परसेंटेजेस दिए हैं कि व्हाई द फीलिंग ऑफ टेरर वाज देयर इन कश्मीर इवन बिफोर 19th of January 1990। सो उस समय माहौल बहुत खराब था और मुझे खुशी इस बात की है कि 19 जनवरी 1990, उससे कुछ दिन पहले, उससे कुछ दिन बाद मैं एज ए यंग कैप्टन भी कुछ कश्मीरी पंडित फैमिलीज की बचा सका, उनको हिफाजत से जम्मू की तरफ भेज सका जी। तो उस समय का माहौल मेरी किताब में पूरे डिटेल में लिखा गया है कि व्हाइज इफ्स बट्स ट्रुथ्स हाफ लाइज मिथ्स ऑल दैट विल हैव बीन डीमिस्टिफाइड इन द बुक विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। आज पाकिस्तान की इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल स्थिति सर डगमगाई हुई है, क्या आपको लगता है कि इस कारण टेररिज्म में बहुत हद तक कमी आई है? देखिए, पाकिस्तान एक ऐसी स्टेट है, किसी भी स्टेट के, किसी भी कंट्री के खुशहाली या उसकी प्रॉस्पेरिटी या उसकी प्रोग्रेस के जो मापदंड है जी। मैं हवा में बात नहीं करूंगा, मैं तथ्यों के आधार पर बात करूंगा जी। उनकी पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है किसी कंट्री की, इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, मिलिट्री सिचुएशन क्या है और डिप्लोमेसी क्या है,
ये चार बड़े मापदंड हैं। पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन आपको मालूम है, दर्शकों को मालूम है, इंस्टेबिलिटी इतनी है, किसी को ये नहीं मालूम कौन किसके साथ है। मिलिट्री की सिचुएशन तो 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान की मिलिट्री ने एक भी जंग नहीं जीती जी। और पाकिस्तान की मिलिट्री वाज मोर इन्वॉल्व्ड इन रनिंग द कंट्री। और आज हालत यह है कि हिस्ट्री में पहली बार पाकिस्तान के सिटीजन्स पाकिस्तान की मिलिट्री को ओपनली ब्लेम कर रहे हैं, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। दिस इज अ कॉमन स्लोगन इन पाकिस्तान। कमिंग टू द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, एवरीवन नोज दे आर अंडर डेट। डॉलर के बरखिलाफ पाकिस्तानी रुपये की हालत क्या है, वहाँ पे डीजल पेट्रोल के भाव क्या हैं, आटा नहीं मिल रहा है, चाय पत्ती नहीं मिल रही है और लोगों के खाने के लाले पड़े हुए। और कमिंग टू द डिप्लोमेटिक स्टेटस, डिप्लोमेसी पाकिस्तान की इस हद तक नीचे है कि जब 370 की एब्रोगेशन हुई तो एक भी बाहर के देश ने उनका साथ नहीं दिया। सब ने हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी, हिंदुस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, हिंदुस्तान की इकोनॉमिक माइट और हिंदुस्तान की मिलिट्री माइट। हम दुनिया का पांचवा हिस्सा है ह्यूमन रिसोर्स में, हम दुनिया की पांचवीं लार्जेस्ट इकोनॉमी है। हमारे पास बहुत कुछ है करने के लिए और हमारा देश वो कर रहा है। पाकिस्तान के पास ये सब चीजों की कमी है और एक ही चीज है जो उनको जोड़ती है, वो है कश्मीर। जी, तो इस वक्त टेररिज्म में कमी इसलिए आई है कि लोकल कश्मीरी नहीं चाहता कि उसकी जिंदगी खराब हो, उसकी इकोनॉमिक हालत खराब हो, उसकी कमाई नीचे जाए। लेकिन पाकिस्तान कोई भी ऐसी कार्रवाई करने से चूकेगा नहीं जिससे हिंदुस्तान में या कश्मीर में गड़बड़ी फैले या कश्मीरी लोगों की जान जाए। वो हमेशा कोशिश करेगा कि कश्मीर शुड रिमेन ऑन द बॉयल। और पाकिस्तान की इकोनॉमी जितनी नीचे जा रही है उतना ही ज्यादा कश्मीर के आतंकवाद में बढ़ावा होने का चांस है। वी नीड टू कीप आवरसेल्फ रेडी, वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग व्हिच पाकिस्तान कैन डू, एंड पाकिस्तान इज केपेबल ऑफ क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स एंड इनोसेंट किलिंग्स इन कश्मीर एट एनी टाइम। जी जी बिल्कुल सर। आखिर में एज टॉप लीडर ऑफ आर्मी, जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस में काम किया है, आप देश को कश्मीर को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? अपनी इस किताब से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कश्मीर एक बहुत, जैसे मैंने पहले बोला, कश्मीर एक बहुत खूबसूरत जगह है, कश्मीरी बहुत खूबसूरत लोग हैं। यस, हाव भाव से, चेहरे से भी, लेकिन ज्यादा इम्पोर्टेंट है दिल से बहुत खूबसूरत। जी, बहुत अच्छे मिजाज के लोग हैं, बहुत मेहमान नवाज हैं, बड़े प्यार से, इज्जत से, बहुत जिसको कहते हैं गर्व महसूस करते हैं अपने आप में, और जो भी उनसे बात करता है बहुत प्यार से बात करते हैं, तहजीब बहुत है। तो कश्मीर, कश्मीरियत, सूफियत, इंसानियत, भाईचारा, ये सब चीजें जो पिछले 3 दशक में पाकिस्तान के टेररिज्म के द्वारा कुछ हद तक प्रभावित हुई थी, ये सब वापिस आ रही है। कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। अभी हमें खुशी मनाने का मौका अभी तक नहीं पहुंचे हैं, अभी कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। जितने गेम्स हासिल किए हैं, खास करके 5 अगस्त 2019 के बाद, उनको कंसोलिडेट करना है, कुछ पोर्शन अपनी शक्ति का लगाना है हार्ड टारगेट्स की तरफ फॉर एलिमिनेशन ऑफ टेररिस्ट, लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज, हमारी एजेंसीज, हमारी गवर्नमेंट्स, हमारे सबका है, बहुत बड़ा हिस्सा हमारे प्रयासों का इस काम में लगना है कि अवाम की खुशहाली हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हो, प्रोग्रेस हो, हेल्थ, हाइजीन, सैनिटेशन, मेडिकल, एजुकेशन, जॉब क्रिएशन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये सब बड़े काम हैं, इनको अंजाम देना है। उसके लिए करीब करीब 80-90% हमारे जो एफर्ट्स हैं वो उसमें जाने चाहिए, सिर्फ 10% और उससे कम एफर्ट्स जाने चाहिए काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन में। और ये जब होगा तो कंसोलिडेशन ऑफ गेन्स ऑलरेडी मेड विल हैपन एंड फर्दर प्रोग्रेस विल हैपन। जी सर, डेफिनेटली। मुझे एक और चीज़ लगती है कि आपकी किताब कितने गाजी आए कितने गाजी गए, ये बहुत सारे लोगों को एक नया पर्सपेक्टिव देना चाहेंगी, खासकर उन ऑपोजिशन वालों को जो इस पर अटैक को लेकर या तमाम कश्मीर के मुद्दों को लेकर जो है संदेह अपना जताते हैं। देखिए ऐसे है, अलग अलग लोग कश्मीर के बारे में अलग अलग बात करते हैं। जी, हर एक का अपना एजेंडा है, किसी का पॉलिटिकल एजेंडा है, किसी का कम्युनल एजेंडा है, किसी का अपनी गद्दी बचाए रखने का या गद्दी में वापस आने का एजेंडा है। जी।
मैंने ये जो किताब लिखी है ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये परसेप्शन नहीं है, ये फर्स्ट हैंड अकाउंट है। जी। जो चीज मैंने अपनी आंखों से देखी है उसके बारे में मैंने इसमें जिक्र किया है। जी। मैंने ऐसा कोई भी चीज नहीं लिखी जो या तो डॉक्यूमेंटली सपोर्टेड नहीं है या मैंने अपनी आंखों से नहीं देखी। जी। और मेरा पर्सपेक्टिव अनबायस्ड है क्योंकि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं रिप्रेजेंट करता, मैं किसी क्लास को नहीं रिप्रेजेंट करता, मैं किसी कम्युनिटी को नहीं रिप्रेजेंट करता। जी। फॉर्चुनेटली आई एम अवे फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। एंड कश्मीर में अगर किसी की बात का यकीन आज की तारीख में कश्मीरी करते हैं तो वह सिर्फ यूनिफॉर्म का करते हैं। जी। और वो आपको बहुत क्लियरली बोलेंगे सर वो भी झूठ बोलता है, वो भी झूठ बोलता है, वो भी झूठ बोलता है, सिर्फ इंडियन आर्मी और यूनिफॉर्म उसके ऊपर उनका विश्वास है और इस विश्वास को भी कायम रखना बहुत जरूरी है। जी। तो मेरी किताब में कश्मीर में आगे क्या क्या कदम लेने चाहिए इमीडिएटली उसके ऊपर भी पूरा एक चैप्टर है। तो उस किताब में बहुत कुछ है, एक सोल्जर की बचपन की कहानी है, उसके यंग डेज की कहानी है, उसकी फैमिली लाइफ क्या होती है, फैमिलीज का सेक्रीफाइस क्या है, वाइफ का सेक्रीफाइस क्या है। मैं हमेशा कहता हूँ आर्मी वाइफ आर द स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन ऑन दिस प्लेनेट, दे मैनेज द हाउस होल्ड एंड एवरीथिंग अराउंड इट सिंगल हैंडेडली दे मैनेज इट ऑल व्हेन सोल्जर इज ऑन द फ्रंट। मैं अपनी बात बता दूं, मैं दोनों बच्चों के जन्म के टाइम पे घर पे नहीं था, उनके स्कूलिंग के टाइम पे घर पे नहीं था, उनके ग्रेजुएशन के टाइम घर पे नहीं था। और मेरी वाइफ ने मेरी मौत की खबर 2 बार टेलीविजन पे देखी है, एक बार जब वो 8 महीने प्रेगनेंट थी। तो ये चीजें जो हैं ये सब इस किताब में हैं। अगर जो बच्चे आदमी ज्वाइन करना चाहते हैं बॉयज एंड गर्ल्स अलाइक, उनके लिए भी बहुत कुछ है इस किताब में ये जानने के लिए कि फर्स्ट हैंड एक ऑफिसर का क्या एक्सपीरियंस है, उसकी फैमिली का क्या एक्सपीरियंस है। और 60% किताब कश्मीर के ऊपर है, कश्मीर की ब्यूटी, जेनेसिस ऑफ टेररिज्म, एब्रोगेशन ऑफ 370 एंड वे फॉरवर्ड, और इसके बीच का तमाम अंतराल में जो भी कुछ हुआ कश्मीर में उसका भी जिक्र है। जी सर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस, इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार सर, थैंक यू। हमने लेफ्टिनेंट जनरल KJS डिल्लो सर से बात की, उनके किताब पर कितने गाजी आए और कितने गाजी गए। इस किताब में उन्होंने तमाम पुलवामा से जुड़ी हुई चीज़ें और कश्मीर से जुड़ी हुई चीज़ें को दर्शाया है, और ये तमाम उन दर्शकों के लिए है जो कश्मीर और पुलवामा पर संदेह रखते हैं।